अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट टू को स्टार्ट किया था हमने पिछले लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक जो है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो है उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती, वो जो है ये पार्ट जो होता है वो स्किप कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप डोमेन एंड रेंज जो है वो उसको स्किप नहीं करेंगे। पहले मैं आपको एक फंक्शन लिख के दिखाती हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स जो है ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डोमेन जो है वो किसी भी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट होता है, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट है उसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर मैं आपको आपकी बुक में जो एक चार्ट बनाया हुआ है, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सी वैल्यूज होती हैं जो हम अपनी मर्जी से किसी फंक्शन को असाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे फंक्शन की डोमेन है और फंक्शन आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें आउटपुट करता है वो हमारी रेंज होती है। तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली हमने वैल्यूज तो असाइन करनी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन हमने ऐसी वैल्यूज असाइन करनी है जो वैल्यूज असाइन करने के बाद हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड ही रहे, ऐसा ना हो कि हमारा जो फंक्शन है उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाए, मींस इनफिनिटी इनफिनिटी हो जाए या कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए हमारे पास। तो हमने ये थोड़ा सा ख्याल रखते हैं बस डोमेन में, अदरवाइज जो है आप इंडिपेंडेंटली कोई भी नंबर जो है वो इनपुट कर देते हैं। तो ये हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हम कैसे नंबर्स जो हैं उन्हें डोमेन में नहीं रख सकते। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वन ओवर एक्स। वन ओवर एक्स जो है ये ऐसा फंक्शन है, मींस जो अगर फ्रैक्शन में कोई फंक्शन है तो उसका आंसर अनडिफाइंड तब आएगा जब जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। समथिंग ओवर जीरो जो है वो इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी जो है उस पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जीरो पुट नहीं कर सकती, बिकॉज जीरो पुट करने से मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मैं इसे एक बैड एलिमेंट का नाम दूंगी जिससे मेरे पास जो मेरा फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, पहले हम डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। जीरो के अलावा जो है वो इस फंक्शन के डोमेन में सब रियल नंबर्स आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन लेती हूँ लाइक वन ओवर टू एक्स माइनस फाइव, तो वन ओवर टू एक्स माइनस फाइव की अगर मैं डोमेन देखना चाहूँ तो मैंने आपको बताया कि हमें ऐसा फंक्शन ऐसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लेनी है जिसपे हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो इसके लिए सिंपल सा जो मेथड है जिसे आप मीन्स आपको ये देखना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना आपके लिए कि मैं एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखें तो इसका आंसर जो है वो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। तो इसका जो सिंपल मेथड है, हमें जीरो नहीं चाहिए, मीन्स हमारा डिनोमिनेटर जो है जिसकी वैल्यू है टू एक्स माइनस फाइव ये जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है। तो हमने ये बना ली, मीन्स मैंने कहा कि टू एक्स माइनस फाइव जो है वो फंक्शन में मेरे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। तो पहले हमने क्या सपोज किया था कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल मींस अगर x जो है वो फाइव ओवर टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू फाइव ओवर टू के इक्वल आ जाती है तो मेरे पास डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसकी अगर डोमेन अब देखूंगी कि जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स आएगी एक्सेप्ट फाइव ओवर टू,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इजी मेथड है कि हम किसी भी फंक्शन के डोमेन फाइंड कर सकते हैं जो लीनियर फंक्शन हो। किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन हो तो उसके डोमेन फाइंड करने का ये सिंपल मेथड है। अब अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है फंक्शन ले लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन को यूज़ किया है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले हम इंटरवल्स देख लेते हैं। हमारे पास इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को एक्सप्रेस करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज करते हुए अगर मैं ओपन इंटरवल को शो करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि माइनस टू से लेके प्लस टू के सेंटर में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे डोमेन के आंसर में या रेंज के आंसर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन माइनस टू और टू इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये हम अगर हमने जो नंबर जिनके सेंटर्स के नंबर तो हमने शो करने हैं बट नंबर्स खुद डोमेन या रेंज का आंसर नहीं है, तो ऐसे आंसर्स को शो करने के लिए हम ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। इसका सेकेंड मेथड जो है, अगर मैं लार्ज ब्रैकेट को ऑपोजिट साइड में कर दूँ तो इसका भी जो मतलब है वो यही है कि माइनस टू से लेके टू के सेंटर में जितने नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सब डोमेन या रेंज का आंसर हो सकते हैं, लेकिन माइनस टू और टू जो है वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। अनदर मेथड इज, ये भी यही एक्सप्रेस कर रहा है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू माइनस टू से लेके प्लस टू के दरमियान तो हो सकती है, लेकिन इक्वेलिटी शो नहीं की यहाँ पे मैंने, जिससे पता चल रहा है कि माइनस टू और टू जो है वो एक्स के आंसर में इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को एक्सप्रेस करने के टू मेथड्स हैं। क्लोज्ड इंटरवल को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज की थी, लार्ज ब्रैकेट यूज की थी और इस नोटेशन में आंसर दिया था। अगर लार्ज ब्रैकेट्स को जिस तरह वो यूज होती हैं इसी तरह यूज करूं, माइनस टू से लेके प्लस टू तक, तो इसका मतलब है कि माइनस टू और टू भी जो है ये दोनों नंबर्स अब हमारी डोमेन या रेंज में इंक्लूड है और इनके दरमियान के नंबर भी सब हमारी डोमेन या रेंज में इन्वॉल्व है। सेकेंड मेथड जो है वो ये है, इससे भी मैंने अब यहाँ पे इक्वालिटी को शो कर दिया है। इसका मतलब है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू माइनस टू से लेके टू के दरमियान में सारे नंबर्स हो सकते हैं और माइनस टू और टू भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, ये कुछ ब्रैकेट्स को मतलब उल्टा सीधा करके हमारे पास जो है इंटरवल्स बनते हैं। थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है, वन हमारे पास है क्लोपन इंटरवल। क्लोपन को जो है हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्लोपन इंटरवल या इनका दूसरा नाम है सेमी ओपन, नाम से ही पता चल रहा है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे इंटरवल्स हैं जो एक साइड से तो ओपन होंगे और दूसरी साइड से क्लोज्ड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ माइनस टू, ये लिख देती हूँ, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि माइनस टू जो है वो मेरी डोमेन या रेंज का आंसर है, लेकिन प्लस टू जो है वो मेरी डोमेन या रेंज के आंसर में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से इंटरवल को क्लोज किया है और यहाँ से इंटरवल को ओपन किया है। तो ये हमारे पास क्लोपन इंटरवल की नोटेशन का मेथड है। और इसका जो सेकंड मेथड है, वैसे हमें जो ओपन यहाँ से मैंने इसको किया, मैं इसको इस तरह की दूसरी नोटेशन में भी शो कर सकती हूँ। एक साइड से तो मेरा जो आंसर है वो क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है। थर्ड जो है वो ऐसे है कि माइनस टू जो है इक्वेलिटी शो करूंगी कि वो एक्स के आंसर में इन्वॉल्व तो हो सकता है, लेकिन प्लस टू उसके आंसर में इन्वॉल्व नहीं है। एक्स के
अंदर सब वो आंसर्स हैं माइनस टू को इन्वॉल्व करते हुए, एक्स के अंदर वो तमाम वैल्यूज हैं जो माइनस टू से लेके प्लस टू के दरमियान आती हैं, लेकिन माइनस टू इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने इंटरवल्स देख लिए हैं। अब अगर हमने आंसर जो हैं वो अक्सर MCQs में हमारे पास जो आंसर्स होते हैं वो इंटरवल्स की फॉर्म में होते हैं, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इंटरवल्स को कैसे शो करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन मीन्स उसकी पावर जो है वो 2 है। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो सिंपल वही मेथड है कि नॉट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब मैं इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं सपोज कर रही, एक्स की वैल्यू निकालूंगी, जब माइनस वन यहाँ जाके प्लस वन हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर ख़त्म करूंगी तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी प्लस वन एंड सेकेंड इज़ माइनस वन। तो अभी मैंने आपको सिर्फ डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो हम इसकी सिर्फ अभी डोमेन ही देखेंगे। इसके डोमेन जब मैं लिखूंगी तो इसके डोमेन में सब रियल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे सेप्ट माइनस वन एंड वन। और अगर मैं इसे इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ नंबर लाइन अगर देखें, इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, इधर आ गया मेरे पास माइनस वन और यहाँ पे प्लस वन। तो इस जो ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें सब रियल नंबर्स इन्वॉल्व हैं, बस माइनस वन नहीं है और प्लस वन इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको जब मैं इंटरवल्स की फॉर्म में इसका आंसर लिखूंगी, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो हैं उनका इंटरवल ऐसे शो किया जाता है, इनका इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल होता है, मींस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज जो हैं वो रियल नंबर होते हैं, लेकिन उन वैल्यूज में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूड नहीं होती रियल नंबर में। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम रियल नंबर को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इन्फिनिटीज़ को ओपन इंटरवल ही शो करेंगे। ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक, और माइनस वन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स यहाँ पे हम ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, माइनस वन यूनियन माइनस वन से लेकर प्लस वन तक जितने भी हैं इसके दरमियान में वैल्यूज़ वो सब इन्वॉल्व हैं, लेकिन माइनस वन और प्लस वन जो है वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी हम ओपन इंटरवल ही यूज़ करेंगे। अगेन यूनियन प्लस वन इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, इनके दरमियान के सब नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं यूनियन ओपन इंटरवल के साथ वन से लेके इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये हमने ऐसी एग्जांपल डिस्कस की है जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक जो है वो फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब हम एक और एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, अंडर रूट की एग्जांपल। अंडर रूट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अंडर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, अंडर रूट एक्स। बहुत सिंपल सी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। पहले अंडर रूट के केस में ये होता है कि डोमेन में वो जो है वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं होती जिनसे हमारे फंक्शन का आंसर इमेजिनरी नंबर बनता है, मींस अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फिर इमेजिनरी नंबर्स की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे माइनस वन, तो माइनस वाली वैल्यूज कोई भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स दिया गया है। यहाँ पे हम x की वैल्यूज में मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको जीरो तो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम जीरो पुट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में नहीं है। हमारे पास जीरो पुट ना करने की कंडीशन वो थी जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आंसर जीरो आए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ हमारे पास फंक्शन है अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे हम जीरो भी पुट कर सकते हैं। तो एक्स की
वो वैल्यूज जो जीरो से बड़ी हो, सॉरी एक्स की वो वैल्यूज जो जीरो से बड़ी हो, और जीरो खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, ये इसकी आगे डोमेन। और अगर मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिख दूं वन ओवर अंडर रूट एक्स, तो अब मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए अब इसमें से जीरो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जीरो पुट करने से मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो आएगा और मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन में जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ वो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे जो जीरो से ग्रेटर हैं, पॉजिटिव नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। कोई नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अगर इस सिंपल फंक्शन से हटके मैं यूज करती हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, तो यहाँ पे अंडर रूट को सॉल्व करने की क्या कंडीशन थी कि माइनस वाले नंबर्स जो है वो अंडर रूट मींस x के अंदर इन्वॉल्व, ऐसे नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जिनके जिनको लिखने से हमारे पास अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर बने, मींस टोटल आंसर जो है वो उसके साथ माइनस भी आ जाए, ऐसे नंबर्स हमने यूज नहीं करने। तो जैसे हमने सिंपल जो पहले हमने लीनियर फंक्शंस किए थे उनमें हमने लिखा था कि इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो अपना यही फंक्शन मैं यहाँ लिखूंगी x की वैल्यूज निकालने के लिए जो ग्रेटर देन जीरो हो, तो स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यूज 3 से ग्रेटर हो या 3 के अगर इक्वल है तो फिर तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो पुट मतलब अंडर रूट के अंदर जीरो आ सकता है। तो x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 जो है, x की ऐसी वैल्यूज जो 3 से बड़ी है या फिर 3 जो खुद है, ये जो है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके डोमेन में ये आ सकते हैं। तो अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, ये माइनस इनफिनिटी है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये प्लस इनफिनिटी है, तो 3 से लेके मीन्स एक्स की वैल्यूज जो है वो 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर वैल्यूज की तरफ जब जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज, तो 3 से लेके इनफिनिटी तक जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो इसके डोमेन में आएंगे। ऑल रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे, इंटरवल की फॉर्म में लिख लूं, तो 3 इसमें इन्वॉल्व है इसलिए हम क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे, और इन्फिनिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती इसलिए यहाँ पे हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे। एक और अगर एग्जांपल देखें जिसमें एक्स के साथ माइनस इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे पास डोमेन की क्या आंसर्स आएंगे। तो लेट्स सपोज मैं ऐसा फंक्शन ले रही हूँ 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स के अंदर जब मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म जो है वो ये जो पूरी टर्म को सोल्व करने के बाद मीन्स एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसे अंडर रूट के अंदर माइनस में आंसर आए, अगर माइनस में आंसर आएगा तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर मतलब कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन जो हैं उसमें डोमेन जो है वो इमेजिनरी नंबर नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल मैंने आपको मेथड बताया है, जब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में कि डिनोमिनेटर में जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल ना आए तो हम इज नॉट इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो एक्स की वैल्यू आई है ये हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं है, और जब अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमने वो वैल्यूज देखनी है जो जीरो से ग्रेटर हो, अगर जीरो से लेस लेंगे तो वो कौन सी वैल्यूज होंगी माइनस वाली, तो माइनस वाली वैल्यूज जो है वो हमें इमेजिनरी नंबर ही देंगे। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि 3 माइनस एक्स जो है वो एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो जीरो से ग्रेटर हो, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, माइनस खत्म हो चुका है, एक्स इज स्मॉलर देन 3,
ठीक है, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 3 आ गया। अब सिंपल बस हमने पहले तो ये हमने इसलिए सपोज किया था ताकि हमारे पास x का कोई आंसर आए, ऐसी वैल्यूज आए जिससे हमें पता चले कि हमारी डोमेन क्या होगी। अब हमारे पास x की वैल्यूज तो आ गई हैं, अब सिंपल हमने देखना है कि जो x की वैल्यूज आई हैं वो क्या वैल्यूज हैं। x इज स्मॉलर देन 3 और इक्वल टू 3, स्मॉलर देन 3 और इक्वल टू 3 ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी डोमेन है। नंबर लाइन पे देखें, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, और x की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे जो है मेरे पास 3 आ रहा है, x की जो वैल्यूज हैं वो 3 से लेस जा रही है, लेस है ना 3 से x, तो x का जो आंसर है x की जो वैल्यूज हैं वो 3 से लेस की तरफ जा रही है, तो इसका जो आंसर आएगा डोमेन जो इसकी बनेगी, ग्रेटर वाली वैल्यूज हमने नहीं इन्वॉल्व करनी क्योंकि हमारे पास हमें ये बता रहा है ये एक्सप्रेशन के जो x है वो 3 से स्मॉलर है या फिर 3 खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास आएगी क्लोज इंटरवल, सॉरी इस साइड पे तो माइनस इन्फिनिटी हमने लिखना है, तो माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल ही यूज होता है, और 3 क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। तो स्टूडेंट्स आपको ये कन्फ्यूजन ना हो रही हो कि यहाँ पे हम अगर x से नेगेटिव वैल्यूज, अभी मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो अब हम नेगेटिव वैल्यूज पुट कर रहे हैं, नेगेटिव जो है वो टोटल आंसर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यूज हम कोई भी पुट कर सकते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें मिलेंगी। 3 से छोटी वैल्यूज जो हमने पुट करनी है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर ही पुट करती हूँ, 2 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और अगर मीन्स के ये भी जो है मेरे पास इमेजिनरी नंबर नहीं बना, और अगर मैं नेगेटिव कोई वैल्यू पुट करती हूँ, माइनस 2 पुट करती हूँ, तो 3 माइनस इंटू माइनस 2, तो ये मेरे पास आंसर आएगा अंडर रूट 5। ये बात ये शो कर रही है कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी है ये बिल्कुल ठीक हमारे आंसर्स आ रहे हैं, कि जो नेगेटिव नंबर्स भी पुट करने से हमारे पास अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं बन रहा। अगर आपको अपने आंसर में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो बेटा आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आई होप आपको डोमेन का जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। डोमेन जो है डिनोमिनेटर के लिए डोमेन अगर फाइंड करनी हो तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो, और अंडर रूट की वैल्यूज जो है वो उनका आंसर डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव ना हो, मीन्स हमारे पास इमेजिनरी नंबर ना बने। और आपको मैंने इंटरवल्स भी समझा दिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, रेंज। रेंज क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो सेट है वो डोमेन है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट है वो रेंज है। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करने से जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो हमारा रेंज का सेट है। तो रेंज, अगर इसके लिए मैं एग्जांपल पहले सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे, x प्लस 1 अगर एक लीनियर फंक्शन है तो इसकी डोमेन जो है, डोमेन के लिए तो डिनोमिनेटर का इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होगी, और ऐसे फंक्शन की रेंज भी जो है वो भी ऑल रियल नंबर्स होगी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन आता है जिसमें कॉन्स्टेंट ओवर लीनियर हो, ऊपर तो हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, कॉन्स्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन, ऐसे फंक्शंस के लिए जो मेरे पास रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 0, ठीक है। ऐसे फंक्शंस के लिए आपने रेंज जो है वो यही लिखनी है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये किस बेस पे मैं कह रही हूँ कि जो 0 है वो इसकी रेंज में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ देती हूँ। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम हम तो इसमें 0 लिखे, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ, मीन्स जो रेंज है वो हमारे पास आंसर्स हैं। तो मैं एक ऐसा फंक्शन लेती हूँ जिसमें ऊपर जो है वो कॉन्स्टेंट है और नीचे एक लीनियर फंक्शन है 1 ओवर 2x माइनस 5, और रेंज का मतलब है कि जो इसका आंसर है वो, तो अगर मैं इसके आंसर में 0 को रख लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करूँ तो ये टर्म जब यहाँ जाएगी तो ये 0 आ जाएगी, ये भी 0 ही बन जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि 1 जो है वो तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता,
इससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर हम इसके जो इसका आंसर है फंक्शन का, जिसमें ऊपर कॉन्स्टेंट हो और नीचे मेरे पास लीनियर फंक्शन हो, तो उसका आंसर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट जो है कोई भी टर्म 2, 1, 5 ये जीरो के इक्वल तो नहीं हो सकती। इससे ये बात प्रूव हो रही है कि इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स हो सकती है बट जीरो नहीं हो सकती। और अगर मैं एक और फंक्शन सपोज करती हूँ जिसमें लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन है, ऊपर भी लीनियर फंक्शन है और नीचे भी लीनियर फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर है 2x-1 और नीचे जो है, बल्कि पहले मैं आपको इसकी रेंज बता देती हूँ। इसकी जो रेंज होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोई भी, अगर मैं जनरल फॉर्म इसकी लिखती हूँ, ax+b ओवर cx+d, तो इसकी जो रेंज है उसके अंदर a और c टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। मीन्स कोफिशेंट ऑफ न्यूमिरेटर ओवर कोफिशेंट ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके अलावा तमाम रियल नंबर्स जो है वो इसकी रेंज में इन्वॉल्व होंगे। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं उसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा था कि a ओवर c इसकी रेंज में इन्वॉल्व क्यों नहीं होंगे। अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जो है वो मैं ले लेती हूँ fx=5x+3/3x-8। तो मैं कहती हूँ इसके डोमेन तो आपको पता चल रही है, इसके डोमेन में वो नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसके लिए x की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। तो इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज मैंने आपसे कहा कि ऐसे नंबर्स, ऐसे फंक्शंस की जो रेंज है उसमें a ओवर c जो वैल्यू है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। मीन्स 5/3 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर उसी तरह इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी रेंज जो है, मतलब इसका आंसर जो है, उसे मैं 5/3 सपोज कर लेती हूँ। 5x+3/3x-8=5/3 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मेरे पास आएगा 15x+9=15x-40। और अगर मैं वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आती हूँ तो आएगा 15x-15x और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो यहाँ आएगा -49। ये कैंसिल हो जाएगा तो -49 जो है वो अगेन जीरो के इक्वल तो नहीं हो सकता। कोई भी वैल्यू जो है वो कोई कॉन्स्टेंट है जीरो के अलावा, तो वो जीरो के इक्वल तो हम उसे नहीं रख सकते। इसी तरह ये प्रूव हो गया इस बात से कि इसकी जो रेंज है ऐसे फंक्शन की जो ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों लीनियर फंक्शन हो, तो उसकी रेंज में a ओवर c टर्म इन्वॉल्व नहीं होते। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा फंक्शन देख लेते हैं, ये अक्सर एमसीक्यू आता है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसकी जो रेंज है वो कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन जो है ऑब्वियसली उनका आंसर ही कॉन्स्टेंट आएगा। इसकी डोमेन में तो हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर जो है, कॉन्स्टेंट फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो कॉन्स्टेंट ही होती है। तो ऐसा अगर एमसीक्यू आए कि वो कौन सा फंक्शन है जिसकी रेंज कॉन्स्टेंट ही रहती है, तो वो फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन ही होते हैं। अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करूं, इनकी जो डोमेन है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं और इनकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं। इसके ऑपोजिट फंक्शंस जो हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है और इनकी रेंज जो है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस हैं, तो इनकी डोमेन और रेंज जो है वो आपस में एक्सचेंज होती है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स ही क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है,
तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव जो है वो नंबर सपोज कर लेती हूँ। अगर इसके डोमेन में मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं वैल्यू साइन करती हूँ माइनस वन की इज इक्वल्स टू एक्स, और इसकी जो बेस है वो है 10, तो जब हम इसे अरेंज करते हैं 10 रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर सॉरी माइनस वन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर एक्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने माइनस वाला माइनस रियल नंबर जो है उसको लिया है डोमेन के अंदर, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को माइनस वन अगर रखती हूँ और इसको अरेंज करने से 10 की पावर x बन रही है, तो x में कोई भी ऐसा नंबर मैं नहीं डाल सकती, x को कोई भी ऐसी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं जो मैं x को असाइन करूँ, और जो 10 का वो उतनी पावर लेने से मेरे पास जो है 10 का आंसर माइनस वन आ जाए, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये तो एक्सप्रेशन ही गलत बन रही है हमारे पास। तो ये प्रूव हो रहा है कि जो डोमेन है उसमें पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट देखा है और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। नेक्स्ट हम इसकी